साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। चेन्नई में डीएमके चीफ स्टालिन से मिलेंगी ममता। लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा करने की संभावना। असम में मजबूती की तलाश में कांग्रेस, भारत जोड़ो की तर्ज पर 834 किलोमीटर की यात्रा शुरू। चेन्नई में भारी बारिश से दो लोगों की मौत, स्कूल कॉलेज को किया गया बंद। तिरुवल्लर और कांचीपुरम जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। केजरीवाल ने एलजी पर योजनाओं में बाधा डालने का लगाया आरोप, कहा आपका यह बेटा ढाल की तरह खड़ा रहेगा। नागपुर के बिजनेसमैन का बेटा निकला चोर, अपने ही घर में 73 लाख की चोरी को दिया अंजाम, हुआ गिरफ्तार। केरल में ऑन ड्यूटी रहते महिला पुलिस ने नवजात को दूध पिलाकर बचाई जान, हाईकोर्ट जज और पुलिस हेड ने की तारीफ। हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, कहा मामला संवेदनशील है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार की बिगड़ी तबियत, पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती, हैदराबाद भेजने की तैयारी। सुशील मोदी ने आरजेडी की तुलना कुत्ते से की, कहा राजद और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होने वाली है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में 3 आतंकी ढेर, लश्कर का कमांडर मुख्तार भट्ट भी मारा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन, अवैध खनन मामले पर कल करेगी सवाल जवाब। भारत जोड़ो यात्रा को मिला बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट का समर्थन, राहुल गांधी के साथ की पदयात्रा। फरवरीज की पत्नी अमृता को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा, ट्रैफिक क्लियरेंस के लिए भी मिला वाहन। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सीएए को एनपीआर और एनआरसी जोड़ना होगा। अनुसूचित जाति पैनल के उपाध्यक्ष ने हिंसा प्रभावित मोमिनपुर का दौरा किया, टीएमसी सरकार पर उठाई उंगली। यूपी में लागू होगा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट, सीएम योगी ने हर नगरीय निकाय में सिविल डिफेंस की इकाई गठित करने का दिया निर्देश। कानपुर में बीच सड़क में दो पक्षों में मारपीट, भगदड़ मची, रायपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना, जमकर चले लात खुसे। मेडिकल कॉलेज के पूर्व सीएमएस पर दहेज हत्या का मुकदमा, झांसी में भाई की बहू फंदे पर लटकी मिली थी, 6 माह पहले हुई थी शादी। गाजियाबाद में पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले नोटों के बंडल, रोहतक में मजदूरों का करोड़ों रुपए लेकर भागे थे 3 ठेकेदार, तीनों पकड़े गए।
जीजा ने सालिका बनाया अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी, पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। फतेहपुर में पिकअप पर पलटा हुआ ट्रक, एक की मौत, पिकअप चालक की हालत गंभीर, कानपुर रेफर, ट्रक में लदा था मोरंग। गाजीपुर में 28 फरवरी तक होगी धान की खरीद, ऑफलाइन टोकन के जरिए किसान बेच सकेंगे धान, पहले दिन खुलेंगे 56 क्रय केंद्र। घूसखोर डिप्टी एसपी को योगी ने बनाया इंस्पेक्टर, रामपुर में तैनात रहे सीओ विद्या किशोर शर्मा का डिमोशन, रिश्वत का वीडियो सामने आया था। गाजियाबाद में किडनैप हुआ बच्चा, 24 घंटे में बरामद 5 रुपए, धमाकर आरोप को गोद में ले गया था किडनैपर, आरोपी का सुराग नहीं। मेरठ में ट्रेन से टकराकर बागपत के सिपाही की मौत, कैंट स्टेशन के पास जनशताब्दी से टकराया सिपाही, अलीगढ़ में था तैनात। अलीगढ़ में अनियंत्रित बस ने आधा दर्जन वाहनों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत, एक दर्जन से ज्यादा घायल, पंजाब से लौट रही थी बस। सहारनपुर पेपर मिल में आग, 2 जिंदा जले कागजों के बंडल के बीच सोए थे 3 कर्मचारी लापता, फायर ब्रिगेड के 50 राउंड भी कम पड़े। आजमगढ़ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, 29 करोड़ का संपत्ति कुर्क, शराब और नकल माफियाओं पर गैंगस्टर रासुका की कार्रवाई की। थाने में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर केस, मेरठ के सरधना में छेड़छाड़ के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया था चालीसा पाठ। ताजमहल पर सुरक्षा में बड़ी चूक, बिना पास के दूसरे शहर की गाड़ी पहुंची पूर्व गेट में, पुलिस ने किया चालान। कौशाम्बी में 13 साल की लड़की से रेप, गर्भवती हुई पीड़िता बोली मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है, पिता ने कहा अब हम क्या करें। भागवत कथा के बीच होने वाला अश्लील नृत्य, कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में घर में पड़ा मिला महिला का शव, रात में खाना खाने के बाद गई थी सोने, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फीस वृद्धि पर बनेगी कमेटी को बताया सेफ्टी वॉल्व, बीएचयू में धरना जारी, छात्र बोले हमारी शक्ति को कमजोर कर रही है यह कमेटी। भदोही में प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज, पंचायत भवन विवाद में डीएम ने की कार्रवाई, जेई वीडियो के खिलाफ जांच के आदेश। मथुरा के वृंदावन में बस में लगी आग, बस परिक्रमा पथ पर खड़ी थी, परिक्रमा रोकी गई, शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। इटावा में मदरसों का सर्वे पूरा, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शासन को भेजी रिपोर्ट, 10 मदरसे बिना मान्यता के संचालित होते मिले। आगरा में डेंगू के 3 नए मरीज मिले, 2 महिलाएं 1 युवक संक्रमित, दिवाली के बाद बढ़ रहे हैं अस्पताल में मरीज। बागपत के थाना क्षेत्रों में पुलिस वाले ने की पैदल गश्त, गाड़ियों की हुई चेकिंग, देर रात बाजार घूमने वाले को समझाया गया। बजनौर सड़क हादसे में एक किसान की मौत, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्राली, एक घायल।
गोंडा में अवैध कब्जा रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, चार पुलिसकर्मी घायल, दो पक्षों के बीच चल रहा था भूमि विवाद। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से तहसील परिसर में लगी भीषण आग, वकीलों के चैंबर में रखा तखत व कुर्सी जलकर हुआ राख। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला नया प्रतीक चिन्ह, डीजीपी डीएस चौहान ने प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। चंदौली में अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बारात में शामिल होने जा रहे दोस्तों से भरी तेज रफ्तार कार गड्ढे में गिरी, हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के सतपुली में क्षतिग्रस्त झूला पुल से गिरकर बुजुर्ग की मौत, 12 वर्षों से नहीं हुई है मरम्मत। उत्तराखंड में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में आई तेजी, भारी सामान पहुंचाने में लगाया गया चिनुक। उत्तराखंड के प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा कदम, अब दून हरिद्वार की सड़कों से हटेंगे डीजल ऑटो विक्रम। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने दर्ज कराई टिहरी सांसद की गुमशुदी की रिपोर्ट, के विकास कार्य पड़े ठप। कांग्रेस पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय, मोदी को जवाब देने की तैयारी, उत्तराखंड दौरे पर आ रहे देवेंद्र यादव। उत्तराखंड में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप, 20 और व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि। उत्तराखंड में ओम बिरला ने कहा विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण से भारत करेगा दुनिया का नेतृत्व। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला की भूमि, यहां फिल्म सिटी खोलने का विचार है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 लाख की चोरी में धर्मकांटे के दो कर्मचारी गिरफ्तार, आरोपित यूपी के रहने वाले। उत्तराखंड के सचिवालय रक्षक भर्ती धांधली के 5 आरोपित ने लगाई जमानत याचिका, कोर्ट ने की खारिज। उत्तराखंड में वृद्धजन व दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर, रोडवेज के बाद अब निजी बसों में भी सीट होगी आरक्षित। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 18 घंटे रुके सीएम धामी ने हर छोर का लिया जायजा, ठप पड़े कामों ने शुरू करने का उम्मीद की। उत्तराखंड में बनेगा कृषि कॉरिडोर, प्राकृतिक खेती पर जोर, चयनित भूमि में नहीं होगा किसी भी तरह के रसायन। रुद्रपुर में 1.5 करोड़ के लालच में कांस्टेबल ने गंवाए 2 लाख, पुराने सिक्के और नोट इकट्ठा करने के शौक में गई रकम। उत्तराखंड में कोटी ढलानी में ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटके 5 युवा, एसडीआरएफ ने देर रात जंगल से सुरक्षित निकाला। तालिबान ने छात्राओं पर कोड़े बरसाए, लड़कियां बुर्का के विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रही थीं।
ईरान में नहीं रुक रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन, अब 20 सड़क पर उतारी मौलवी की पगड़ी, वायरल हुआ वीडियो। इमरान का विरोधियों पर निशाना, कहा पीटीआई और सेना के बीच रची जा रही संघर्ष की साजिश। राजनीति में बदलाव पर ओबामा का जोर, कहा ऐसा नहीं हुआ तो जोखिम के जद में होंगे काफी लोग। चुनावी जीत के बाद नई सरकार बनाने की कोशिश करेगी डेनमार्क की पीएम फेडरिकसन, अन्य दलों के साथ होगी बैठक। पाक पीएम शहबाज का चीन दौरा, सीपीईसी को लेकर दोनों देशों के बीच बनी बात, कराची को पेशावर से जोड़ने वाला रेल प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। ब्राजील चुनाव के दो दिन बाद बोल्सोनारो ने तोड़ी चुप्पी, सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हुए लेकिन सार्वजनिक तौर पर हार कबूल नहीं की। ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात करेगा अमेरिका, सोलोमोन आइलैंड में बढ़ती ड्रैगन की दखल के बाद लिया गया फैसला। उत्तर कोरिया के तीन ब्लास्टिंग मिसाइल दागने से हड़कंप, साउथ कोरिया में बजे एयर रेड सायरन, जापान में अलर्ट। तीसरे विश्व युद्ध की आहट, सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान, हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना। भारत में ट्विटर के 52,000 अकाउंट्स बैन, व्हाट्सएप ने भी 26 लाख नंबर किए बंद। नोकिया ने लॉन्च किया 660 5G स्मार्टफोन, 5G कनेक्टिविटी के साथ इसमें मिलेगा 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। टाटा अपनी फैक्ट्री में महिलाओं की करेगा भर्ती, आईफोन पार्ट बनाने वाले प्लांट में हायरिंग का प्लान। अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 17% ज्यादा, टैक्स वसूली में महाराष्ट्र टॉप पर। ब्लू टिक के लिए देना होगा 660 रुपए, ट्विटर मालिक एलन मस्क ने बोली शिकायत करते रहो, पैसा तो देने ही होंगे। सीबीडीसी पर आरबीआई गवर्नर का बड़ा ऐलान, बोले इस मामले में सावधानी से बढ़ने की जरूरत। मजबूत मांग ने बढ़ाई यात्रियों की बिक्री, मारुति में 26%, टाटा मोटर्स में 33% की उछाल। की बैठक से पहले चार बैंकों का कर्ज महंगा, 0.15% से लेकर 0.35% तक महंगे हुए लोन। देश को मिली अपनी डिजिटल करेंसी, पायलट प्रोजेक्ट के पहले दिन अरबों रुपए का कारोबार। खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, स्टॉक लिमिट से हटाया प्रतिबंध। जोस बटलर ने तोड़ा योन मोर्गन का बड़ा रिकॉर्ड, टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। गौतम गंभीर के बयान पर शाहिद अफरीदी का पलटवार, बोले वो अभी तो घर जाएंगे ना।
यूएफए चैंपियंस लीग में टोटेनहम और फेकप्रंट भी राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। अब तक 14 टीमों ने किया क्वालिफाई। क्रिकेट के सिकंदर के करिश्माई शॉट को देखकर आईसीसी ने बोला नींद में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं रजा। विकेट की खुशी मनाने के बजाय राशिद खान ने साथी खिलाड़ी पर उतारा गुस्सा, वीडियो वायरल। लोकेश राहुल को फिर मिलेगा मौका, कोच द्रविड़ बोले वो ऑस्ट्रेलिया के हालात से वाकिफ, हमें उन पर भरोसा, बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हराया। आखिरी ओवर में कीवी टीम को बनाने से 26 रन 5 ही बना पाए। मैच से पहले ही हार मान बैठे शाकिब, बांग्लादेश के कप्तान बोले भारत वर्ल्ड कप फेवरेट, हमारे पास खोने को कुछ नहीं। इंग्लैंड की जीत ने बजाई ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी, टी20 चैंपियन पर सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा। टी20 में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ही मैच में बने 500 से ज्यादा रन, गेंदबाजों की ऐसी धुनाई देख विश्व क्रिकेट भी चौंका। पठान का टीजर हुआ आउट, किंग खान के बर्थडे पर फैंस को मिला तोहफा, 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, इंटेंस वर्कआउट करते दिखे एक्टर, फैंस बोले आप सच में खिलाड़ी हो। फराह खान ने एक खास अंदाज में किया एसआरके को विश, वो बोली आदमी जिसने मुझे फिल्म मेकर बनाया वो एक किंग है। एपी ढिल्लों को इंटरनेशनल टूर के दौरान लगी चोट, सिंगर हुए अस्पताल में भर्ती, कॉन्सर्ट हुए पोस्टपोन। माधुरी दीक्षित का डांस वीडियो वायरल, फिल्म दिल तो पागल है ने पूरे की 25 साल अरे रे गाने पर झूमती दिखी एक्ट्रेस। बर्थडे पर शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर पहुंचा फैंस का हुजूम, आधी रात को फैंस से मिलने आए किंग खान। पिता के साथ दिखी जानवी कपूर, पेपराजी के साथ मस्ती करते दिखे बोनी कपूर, पूछा हम लोग भाई बहन लग रहे हैं ना। शक्तिमान बने सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कहा मेरी पैंट फट गई इसलिए बीच में हमें गंगाधर बनना पड़ रहा है। इरशाद कामिल को मिला पुष्किन प्राइज, गीतकार को रूस में किया जाएगा सम्मानित, 3 नवंबर को मॉस्को के लिए होंगे रवाना। राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया यूजर्स को दिए सारे जवाब, बताए मास्क पहनने की वजह, बोले मैंने कभी भी पोर्नोग्राफी में काम नहीं किया। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।